हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार सिलेक्टर्स के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे 5 कार्स अंडर 5 लैक्स। आज हमारी लिस्ट में एक वैगनार और एक रेनॉल्ट की क्विड। इस कार का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है और इसमें बहुत ही सारे फीचर मिलते हैं। आज हम इसकी भी बात करेंगे और अल्टो की बात करेंगे। बाकी अल्टो में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। और आज हम बात करेंगे हुंडई सेंट्रो के बारे में। हुंडई सेंट्रो का फेसलिफ्ट भी आ चुका है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी वही रहेगी। और आज हम एक एसयूवी कार की भी बात करेंगे जो 5 लाख के अंडर आती है और उसका नाम है डस्टन गो प्लस। सारी कार्स की बात करेंगे और फेसलिफ्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा लें। आज हम पहले बात करेंगे वैगनार के बारे में। वैगनार एक फुल्ली लोडेड कार है, जो फैमिली कार है और इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है। इसके इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हैंडल पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी आपको इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट और FM वगैरह तो मिल ही जाता है कॉमन। और इसकी रियर सीट्स की बात करें तो इसमें आपको रियर हेडरेस्ट भी मिल जाता है, जो पहले इसमें नहीं मिला करता था, पर अब मारुति ने इसमें वो दिया है। और इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें तो इसमें सारी फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी गई है, मतलब बिल्कुल चेंज है पहले वाली उससे। और आपको इसमें नाइट डीफोगर वगैरह और कई फीचर मिल जाते हैं, जो आपको बिल्कुल न्यू प्रोवाइड किए गए हैं। पहले वाली वैगनर में इतने फीचर्स नहीं आते। इसके प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस होने वाला है 4.34 लाख टू 5.91 लाख। ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर आती है और इसकी रीसेल वैल्यू तो क्या बताएं आपको, इतनी अच्छी है ना, खड़े पैर बेच सकते हो आप। और ORVMs मिलते हैं आपको इलेक्ट्रिक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनॉल्ट की क्विड के बारे में। रेनॉल्ट की क्विड एक ऐसी फैमिली कार है जो एक तो अंडर 5 लाख आती है और फीचर्स बहुत ज़्यादा है इसमें। पहले हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे। इसमें आपको GPS मिल जाता है, मतलब आप इसमें मैप चला सकते हैं, और ब्लूटूथ सपोर्ट वगैरह वो तो आपको मिलता ही है। और बात करें तो इसके ORVMs, इसके ORVMs आपको इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं, इंटीरियर कंट्रोल मिल जाते हैं, बाकी आपको एंटीना सिंपल एंटीना मिल जाता है और आप रूफ को देख ही सकते हो। बहुत ही अच्छी है ये कार। आपको इसमें प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं नीचे वाले। और ये कार पीछे से देखने में हुंडई वेन्यू जैसी लगती है। और बात करें तो इसके हेडलैम्प्स की तो इसमें आपको LED लैंप्स मिलते हैं। और अब हम बात करें इसके प्राइजिस की, तो ये बहुत ही कम प्राइजिस में आती है। 2.76 लाख से शुरू होके 4.75 लाख तक ये गाड़ी आपको मिल जाती है। और बात करें इसके टायर्स की, तो इसमें आपको सिंपल स्टील व्हील्स मिलते हैं, इसमें कोई आपको अलॉय व्हील्स नहीं देती कंपनी। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो आपको डिजिटल स्पीड दिखाएगा और डिजिटल फ्यूल। इसमें आपको टू एयरबैग्स मिलते हैं और आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर मिल जाते हैं। अगला हम बात करें तो मारुति सुजुकी की अल्टो के बारे में। ये एक ऐसी कार है जो हर साल हर महीने सबसे टॉप पे जाती है बिकने के मामले में। इसमें आपको अंदर तो सिंपल मिलता है, बाकी इसमें मारुति कंपनी ने वन एयरबैग ऐड कर दिया है और बाकी आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही मिलता है। बाकी इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको FM मिल जाता है स्पोर्ट और आपको ब्लूटूथ मिल जाता है। बाकी आप गाड़ी देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छी कार है ये। और आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं आपको 180 की हाईएस्ट स्पीड मिलती है। बाकी इसके आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, इसमें आपको सिंपल स्टील व्हील्स मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो इसकी इंडिया में प्राइसिंग है 2.94 लाख टू 4.14 लाख। ये बहुत ही कम प्राइजेज में है और बहुत ही अच्छी कार है। अब हम बात करें तो सेंट्रो के बारे में। सेंट्रो का हमारे चैनल पर फेसलिफ्ट भी आएगा, वो शायद अगली वीडियो हो या उससे अगली हो। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल, इसलिए आपको पता लग जाए। बाकी इसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं और बहुत ही अच्छा फीचर जो इस बार हुंडई ने दिया है, इतनी छोटी कार में भी आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। इसमें आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है
और साइड कार बिल्कुल एक्सेंट जैसा अंदर से इसका लुक है। और आप देख सकते हैं इसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं और की स्टार्ट कार है ये, पुश बटन नहीं मिलता आपको इसमें। बाकी इसके जो डोर मिरर्स हैं ये बीच में से कंट्रोल होने वाले मिल जाते हैं आपको, मतलब आप एक तरफ से सारे डोर्स को कंट्रोल कर सकते हो मिरर्स को। और आप देख ही सकते हो अंदर से कितनी सुंदर है ये कार। और बैक लुक की बात कर लें तो इसके बैक में बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, हुंडई ने इसके बैक को बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसमें आपको कैमरा मिल जाता है और बहुत से फीचर मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 3.91 लाख to 5.68 लाख तक इसके प्राइजेज हैं। इसकी अगली वीडियो हमारे चैनल पे आएगी तो सब्सक्राइब करें चैनल। और बात करें तो हम सबसे अच्छी कार, सबसे अच्छी एसयूवी कार की जो सबसे कम प्राइजेज में आती है, डस्टन गो प्लस। इसके आपको रीसेल तो चाहे कम मिले पर ये कार फुली फैमिली के लिए है। अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ये एक 7 सीटर एसयूवी है जो इस प्राइस रेंज में डस्टन दे रहा है पहली बार। अब बात करें तो इसके टायर्स की, तो आपको इसमें 15 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। ये आपको इसके सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं, बेस या उससे ऊपर वाले में नहीं मिलते। इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं और इसके आपको इंफोटेलमेंट सिस्टम में आपको नेविगेशन मिल जाता है, FM सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। और ये बहुत ही अच्छी कार है, मैं तो आपको कहूँगा अगर आपने SUV लेनी है कम प्राइस में तो यही कार बेटर है आपके लिए। बट इसमें अकेले पेट्रोल वेरिएंट्स आते हैं। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और नीचे लाइट्स मिल जाती हैं। और बात कर लें तो इसके रियर लुक की, तो इसमें आपको रियर वाइपर जैसे फीचर मिल जाते हैं जो इंटीरियर कंट्रोल हैं। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो 3.92 to 5.94 लाख की आ जाती है। इसमें सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा लें। जय हिंद, जय भारत।